बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मौज़ वाली का देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरल डिज़ाइन हाउस। तो चलते हैं कोरल डिज़ाइन हाउस में, करते हैं आज का काम स्टार्ट। तो आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे, इसके अंदर ही शेप होती है उसका इस्तेमाल करते हुए कुछ छोटा मोटा जो है ना बनाएंगे लोगो। इसके लिए क्या करेंगे क्या करेंगे, इसके लिए जाएंगे हम किस में जाएंगे? ये पॉलीगन टूल है, इसमें इस वाले टूल में पॉलीगन टूल में जाएंगे, जहाँ से आपको नीचे मिल जाएंगे शेप्स। ये बेसिक शेप से, एरो शेप से, ये पूरी की पूरी शेप्स, इसमें आप कोई भी शेप्स लेके उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। जैसे हम ये नीचे कॉलम शेप्स लेते हैं और इसमें हमको ये मेन नीचे मिलेगी ये वाली शेप्स, इसको हम करेंगे ड्रा। कंट्रोल का बटन दबाते हुए तो ये इक्वली हो जाएगी ड्रा, और इसको पी करके हम करेंगे मिडल। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसके अंदर हम कुछ अब करेंगे लेटर, लेटर लिखेंगे इसके अंदर, और ये यानी कि साइनेज की सूरत में बनाएंगे थोड़ा इसके करेंगे। ये चीज़ है ना, काम की चीज़, इसकी आउटलाइन बढ़ा भी सकते हैं आप जिस हिसाब से आपको रखनी है, हम थोड़ी जिस हिसाब से रखेंगे सही होगा। इसके अंदर हम करेंगे कुछ लेटर, लेटर का इसके अंदर लेते हैं, यानी कि ये टेक्स्ट में आते हैं, इसमें हम लेटर लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शिफ्ट दबाया और पी ऐड किया बड़ा, शिफ्ट को छोड़ दिया बाद में छोटा, पी आर एन सी प्रिंस, प्रिंस लिखने के बाद हम इसको पिक टू लेंगे, पिक टू लेने के बाद इसके अंदर हम रखेंगे इसको, इसके बाद इसको करेंगे बोल्ड, बोल्ड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा चौड़ा छोड़ा, मोटा छोटा, लंबा छंबा कर लेंगे अपने हिसाब से जिस तरह हमको इसको करना है। तो ये चीज़ कुछ इस तरह से, यहाँ से हम इसको पकड़ के अंदर के बॉक्स को बड़ा भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आप यहाँ उस ऊपर से इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, अनबोल्ड भी कर सकते हैं, और ऐसे ही इसकी फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने से पहले हम इसको कॉपी कर इधर लाएंगे ताकि फॉन्ट चेंज करते हुए हमको नज़र आए क्या 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 हरकतें कर रहा है। जो हरकत हमें अच्छी लगेगी वो ही हम उसमें ऐड कर देंगे। ये भी अच्छा है लेकिन इसको मज़ीद चेंज करके देखते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, या फिर ये वाला, कोई सा भी करके हम देख लेते हैं। ये वाला या ये वाला, ये भी सही है वैसे, ये भी आप रख सकते हैं। हमको सही नहीं लग रहा, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे आए और नीचे हम जाएंगे, ये करने के बाद ये वाला भी वैसे ठीक, ये वाला भी अगर रख सकते हैं, ये वाला स्टाइल। तो इसको हमने करेंगे इधर, ये तो अंडर भी कर देंगे थोड़ा सा, इसको करेंगे ऐसे। तो ये चीज़ ये कुछ प्रकार से, इस प्रकार से नज़र आएगा,
बॉक्स में आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कौन सा कलर रखना चाहते हैं अपने हिसाब से, वो कलर आप एड कर सकते हैं। ये चीज उसके बाद ये चीज करने के बाद ये जो है तो इस तरह से हम इसको रखेंगे वाइट ये चीज, और इसके आउटलाइन अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, इसको पूरे को सिलेक्ट करें आउटलाइन ऑन कर, तो ये चीज पूरे को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल करेंगे जी इधर, इस प्रकार से काम करेंगे। और अब हम इसी टूल में से किसी को इस्तेमाल करते हैं कुछ फूल क्रिएट करेंगे, फूल हम इससे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, ये देख ये चीज है ना, काम की चीज, ये काम की चीज नहीं है, ये चीज इसमें आपको हर तरह के इस शेप में एरोज कुछ रेडीमेड बने बनाए ऑब्जेक्ट इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं शिफ्ट टूल के साथ, ये चीज है ना काम की चीज, हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके थोड़ा सा इस तरह ये कौन करेंगे सिलेक्ट और माउस पर दबाएंगे राइट बटन, कंट्रोल आर दबाते रहेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने बन गया है, जो को ये बन गया है रोज। नीचे हम सिलेक्ट करेंगे थोड़े छोटा फिर नीचे भी है, हम इसको यहाँ पर रखा और आप इसको वैल्यू भी कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो वेल्ड करेंगे तो इसको आप दे सकते हैं कोई भी कलर, तो ये चीज़ बन जाएगी। हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे और माउस दबाएंगे राइट बटन, कंट्रोल आर दबाएंगे, कॉपी रिपीट, फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर करेंगे कंबाइन, तो ये कुछ बन जाएगा इस प्रकार से, सही होगा ये चीज़ बन जाएगी जो भी आप देख रहे हैं। शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे तो इधर ही रखेंगे, कोई भी कलर आप दे सकते हैं इसके अंदर, आउटलाइन का कलर आप दे सकते हैं, आउटलाइन बढ़ा भी सकते हैं, और हम भाई हम दो करते हैं, दो ज़्यादा भी वन पॉइंट एक रखते हैं, कलर हम इसका रेड करते हैं, तो ये ब्लू करेंगे तो ये ब्लैक करेंगे करेंगे तो कुछ इस तरह बन रही है, भी कर सकते हैं तो ये चीज इसी तरह आप यहाँ से
और भी कोई शेप ले सकते हैं, जैसे कि ये शेप है, इसके अंदर आपको शेप मिल जाती है ये वाली शेप। तो इसका भी आ गया कुछ भी बात है, इसको ले यहाँ से ये शेप टूल लिया, खोलने के बाद शेप टूल लिया टू कर्व किया और इसको क्लिक किया राइट बटन माउस का टू कर्व, इस प्रकार से इसको उधर से किया इस तरह से बन जाएगा फूल टू लिया, इधर से लेंगे डिलीट हो ये चीज़ हम अंदर के लिए डिलीट कर लें, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गए हैं। आप इसको यहाँ पर रखकर कॉपी क्रिएट कर देंगे यहाँ से पूरी ये चीज़ और बहुत सारा राइट होगा रिपीट करते जाए, तो ये इस तरह बन जाएगा फूल कंट्रोल आर से हमें रिपीट करना, मजीद काम कर सकते हैं यहाँ से पकड़ेंगे छोटा करेंगे ये शेप को फिर करेंगे कंट्रोल आर कुछ इस तरह से इसको हम पूरा सेलेक्ट करेंगे फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे कलर फिल भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन अगर आपको अलग अलग में कलर फिल करना तो अलग अलग में स्मार्ट फिल टूल ले लें इस तरह से आप अंदर कलर दे के उसकी खूबसूरती के मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से सही हो गया, तो आप डिपेंड करता है कि आप ही बने क्या करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, जैसे ही अंदर आगे सिलेक्ट करोगे तो ये चीज़ बन के आएगी आपके सामने। तो ये इस तरह से फूल जो बन जाएगा जैसे भी आप देख रहे हैं, तो हम पिक टू लेंगे पूरे पिक्चर करेंगे सिलेक्ट वाटर कलर के नीचे करेंगे
कंट्रोल जी करें, ये इस प्रकार से फोन बन गया जो आप देख रहे हैं। और इसको पूरे सिलेक्ट करने के बाद आप पोर्टलन भी पूरी ऑन कर सकते हैं। तो ये चीज़ है ना, काम की चीज़। कलर पूरे में आप चेंज कर सकते हैं, कहाँ पर रखना चाहते हैं पोर्टलन के अंदर आप दे सकते हैं। पोर्टलन आप एक में दे दें तो ये कुछ इस तरह से मान के आपके सामने निकलेगा पूरा ये चीज। सही हो गया, हम ये हार नहीं रखेंगे सबसे छोटी। फिर इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से करेंगे छोटा, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर रखेंगे, इसको करेंगे यहाँ पर रखेंगे और ऑल्ट को हम दबा के पेज करेंगे नीचे। तो आज का जो है ना हमारा यही था कि आपको जो है शेप के बारे में उन्होंने बताया कि आप इस शेप पे कैसे काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी, आप ब्लैक कलर दे के या येलो मेलो कलर दे के उसके अंदर उसको मज़ीद जो है ना वाजिया कर सकते हैं आप, जो भी किया है इसी तरह होगा। तो ये दिखा के कुछ इस प्रकार से जो कि आप तो देख रहे हैं सही होगा। इसमें चाहे आप वाइट कलर दें, कलर आप चेंज करेंगे जैन जो सा वही कलर हो जाएगा। इसमें भी आप अपने हिसाब से तो वाइट कलर दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप वाइट कलर देना चाहते हैं या फिर ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे ही देने में सही हो गया। तो ये चीज़ आज का यहाँ तक की था फिलहाल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट में किसी और लेसन के साथ, किसी और काम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।